हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हार्ट सोल एंड स्टाइल। माय नेम इज खुशबू एंड आई मेक वीडियोस रिलेटेड टू ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। टुडे आई एम हेयर टू शेयर दिस ब्यूटीफुल ग्लैम लुक व्हिच आई हैव क्रिएटेड स्पेशली फॉर न्यू ईयर्स ईव। एंड इफ यू वांट टू सी हाउ आई हैव अचीव्ड दिस लुक, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ऑल्सो टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माई चैनल। सबसे पहले मैंने यूज़ किया है एल्फ गुडनेस का अम्बा हल्दी टोनर, जिससे मैंने अपनी स्किन को टोन किया है। आफ्टर दैट फॉर स्किन ग्लो मैंने यूज़ किया है गुड वाइब्स का माराकुजा स्किन ग्लो सेरम। ये काफ़ी हाइड्रेटिंग सेरम है एंड प्लस इट्स परफेक्ट फॉर सच ओकेजन्स, क्योंकि ये बहुत ग्लोई स्किन आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आई हैव यूज्ड ये मैक की स्ट्रोब क्रीम एज अ मॉइस्चराइजर। आई गॉट इट फॉर फ्री फ्रॉम नायका ड्यूरिंग देयर सेल। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर आई मेकअप मैंने यूज़ किया है ये स्टिकी टेप, ताकि मेरे आई मेकअप को एक परफेक्ट शेप मिले। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया एन वाई बे का कंसीलर फॉर प्राइमिंग माई आईलिड्स एंड इसको पैक मिनी ब्यूटी ब्लेंडर से आई हैव ब्लेंडेड। नेक्स्ट मैंने थोड़ा सा अपनी ब्राउ बोन को भी क्लीन आउट किया है विद दिस कंसीलर, ताकि मेरी ब्राउज थोड़ी एनहांस्ड लगे। एंड सेम ब्यूटी ब्लेंडर से आई हैव ब्लेंडेड इट। नेक्स्ट फॉर आईब्रोज मैं यूज कर रही हूँ इन कलर्स की आईब्रो पेंसिल, एंड ये भी मैंने अपनी नायका सेल में आप लोगों के साथ शेयर करी हुई है। एंड दिस इज सो गुड यू गाइज, इट्स आई थिंक इट वॉज फॉर 60 rupees और समथिंग, बट इट इज सच अ नाइस पेंसिल। तो अगर आप बजट पे हो एंड यू वॉन्ट टू ट्राई आउट सम गुड ब्राउ पेंसिल, दिस इज रियली रियली नाइस। नेक्स्ट टू सेट माई आईलिड्स मैंने यूज किया है मेबेलिन का फिटमी कॉम्पैक्ट। आई मेकअप टुडे आई एम यूजिंग ये स्विस ब्यूटी का मिनी आई शेडो पैलेट एंड टू डिफाइन माई क्रीज मैं यूज कर रही हूँ ये लाइट ब्राउन शेड। नेक्स्ट मैं अपनी क्रीज को डीप कर रही हूँ विद दिस डार्क ब्राउन शेड। आई हैव प्लेस दिस कलर जस्ट बिलो द लाइट ब्राउन शेड एंड थोड़ा सा मैंने ज्यादा अपनी आउटर वी पे प्लेस किया है एंड इसको आउटवर्ड ब्लेंड किया है। नेक्स्ट आई हैव टेकन दिस डार्क ब्राउन शेड एंड मैंने इसको आउटर वी पे प्लेस किया है एंड सब कलर्स के साथ अच्छे से ब्लेंड किया है एंड वॉट एवर इज लेफ्ट इन द ब्रश मैंने उससे अपनी क्रीज को थोड़ा सा और डीप किया है। नेक्स्ट फॉर लिड स्पेस आई एम यूजिंग ए स्विस ब्यूटी का लूज फॉयल पिगमेंट इन द शेड 12। ये बहुत ही ब्यूटिफुल सा सिल्वर ग्लिटरी शेड है एंड आई हैव प्लेस्ड इट ऑन माय लिड एंड ये ऐसे ओकेजन्स के लिए बहुत ही अच्छा है, स्पेशली फॉर नाइट मेकअप इट्स सच अ गॉर्जियस कलर। देन विद द सेम ब्लेंडिंग ब्रश मैंने सब कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट मैंने विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ किया है विद द हेल्प ऑफ दिस मेबेलिन का कोलोसल पेन आईलाइनर। नेक्स्ट मैंने यूज किया है फेसेस कैनेडा का काजल अपनी अपर बॉर्डर लाइन के लिए एंड लोअर बॉर्डर लाइन के लिए। फिर मैंने स्टिकी टेप हटा दी है एंड जो भी फॉल आउट हुआ है वो मैंने क्लीन कर लिया विद द हेल्प ऑफ वेट पाइप। फिर विद द हेल्प ऑफ लैश कर्लर मैंने अपनी आईलैशेस को कर्ल कर लिया है। देन आई हैव अप्लाइड लॉरियल का वॉल्यूम मिलियन लैश मस्कारा। इट इज सच अ नाइस मस्कारा एंड बहुत ही लाइट वेट है, आपकी आईलैशेस को क्लॉग नहीं करता है। I have applied generous amount of mascara as you can see. Next for lashes I am using pack 63 lashes.
Now coming to the face makeup, for that I am using PAC का Pore Fixer Primer. For foundation, I am using Milani की Conceal plus Perfect 2-in-1 foundation. Take your time in blending so that आपका base makeup अच्छा रहे and बहुत ज़्यादा heavy ना लगे. Never forget your ears and neck. नेक्स्ट फॉर कंसीलर आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का कंसीलर. ये मैंने सिर्फ उन एरियाज पे अप्लाई किया है जहाँ पे मुझे थोड़ा सा हाईलाइट चाहिए. एंड विद द हेल्प ऑफ सेम फाउंडेशन ब्रश मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है. नेक्स्ट टू ब्लेंड इट इवन मोर मैं यूज कर रही हूँ ये ब्यूटी ब्लेंडर ताकि मेरी फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो जाए एंड ब्रश के कोई भी स्ट्रोक्स का निशान ना रहे. नेक्स्ट मैं बहुत ही लाइट हैंड से सेम कॉम्पैक्ट से अपने फेस मेकअप को लॉक कर रही हूँ. नेक्स्ट मैं अपनी लोअर बॉर्डर लाइन पे आई एम प्लेसिंग दिस स्विस ब्यूटी का काजल इन द शेड इलेक्ट्रिक ब्लू ताकि मेरा लुक थोड़ा सा और ग्लैम आउट हो जाए. एंड देन मैंने इस काजल को अच्छे से एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है. नेक्स्ट मैंने अपनी लोअर लैशेस को भी मस्कारा से कोट कर लिया है. नेक्स्ट फॉर कॉन्टोर मैं यूज कर रही हूँ ये शुगर का कॉन्टोर डी फोर्स पैलेट एंड इससे आई एम ब्रॉन्जिंग आउट माई फेस ऑन द यूजुअल प्लेसेस एज यू कैन सी. And from the same palette, I'm using the blush. From the same palette, मैं use कर रही हूँ highlighting shade as well. As you can see, कितना ज़्यादा glow है, glow provide कर रहा है and कितना natural highlight है इस palette का. I really really like this palette. And then मैंने सब makeup को अच्छे से blend कर लिया है with the help of beauty blender. And same highlighter से I've highlighted my brow bone as well. थोड़ा सा और ग्लैम आउट करने के लिए आई एम यूजिंग ये स्टेक वर्की का लिक्विड हाइलाइटर एंड मैं इसको भी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आई एम ब्लेंडिंग इट. नेक्स्ट फॉर लिपस्टिक आई एम यूजिंग ये ब्यूटीफुल सा मरून रेड शेड ऑफ डार्लिंग इजाबेला. इट्स अ लिक्विड लिपस्टिक एंड परफेक्ट ऐसे ओकेजन्स के लिए बिकॉज इसका स्टे बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड ये मैट फिनिश की लिपस्टिक है एंड ऐसे लुक्स के साथ इट गोज़ रियली रियली वेल. नेक्स्ट टू सेट माई मेकअप आई एम यूजिंग ये वेट एंड वाइल्ड का सेटिंग स्प्रे. आई हैव डन माई हेयर ऑफलाइन एंड दिस इज द फाइनल लुक एज यू कैन सी. इट इज सच अ नाइस लुक एंड इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अचीव. मोस्टली प्रोडक्ट्स आई हैव यूज्ड आर अफोर्डेबल एंड आई एम श्योर आपको ये लुक अच्छा लगा होगा. अगर आप ये लुक ट्राई आउट करते हैं तो डोंट फॉरगेट टू टैग मी ऑन माय इंस्टाग्राम. माय इंस्टा हैंडल इज हार्ट सोलन स्टाइल. इफ यू हैव लाइक दिस लुक प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी एंड आल्सो हिट दैट बेल आइकन ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए. एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक वीडियो रिक्वेस्ट. आई विल डेफिनेटली डू इट फॉर यू गाइज. सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आई रियली होप सबके लिए ये न्यू ईयर बहुत अच्छा जाए. विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.